हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं ब्रिज, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिज टेक। आज फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूं। जी हां, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि गूगल की एक सर्विस जो है वो कल से बंद हो जाएगी। जी हां, 24 फरवरी से गूगल की जो प्ले म्यूजिक सर्विस थी वो कल से बंद हो जाएगी, जिसका यूज आप सब गाने वगैरह सुनने में काम करते थे तो वो यूज करते थे। तो फ्रेंड्स, ये गूगल की तरफ से जो गूगल प्ले म्यूजिक था वो लास्ट ईयर दिसंबर में ही अनाउंस कर दिया गया था कि इसकी सर्विस जो है कंटिन्यू नहीं करेंगे, उसकी जगह आपको गूगल यूट्यूब म्यूजिक जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो यूट्यूब म्यूजिक में क्या कर सकते हैं आप कि यूट्यूब जितने भी गूगल प्ले के म्यूजिक हैं उनको आप यूट्यूब म्यूजिक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ, यूट्यूब म्यूजिक भी एक ऐसा है जिसमें आप म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं और यूट्यूब के जितने भी म्यूजिक होंगे उनको भी सुन सकते हैं। तो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दोनों आपके जो फाइल में भी होंगे गाने, जो भी सॉन्ग्स होंगे उनको भी सुन सकते हैं, यूट्यूब के म्यूजिक भी सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब म्यूजिक में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने म्यूजिक को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको music.youtube.com /ट्रांसफ़र पर जाना होगा। तो जाना होगा, वहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आपको जिस पर क्लिक करना होगा, ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको डेटा ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा। डेटा ट्रांसफ़र के साइज़ के हिसाब से आपका जो है डेटा ट्रांसफ़र होगा। अगर आपका साइज डेटा का ज़्यादा बड़ा होगा तो टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, अगर कम होगा तो थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। और फ्रेंड्स, आप उसको सेव भी कर सकते हैं अपने सॉन्ग्स को, जैसे आप उसमें प्लेलिस्ट बनाते हैं उसमें भी प्लेलिस्ट बना सकते हैं। तो यूट्यूब म्यूजिक कल से आप देखेंगे यूट्यूब म्यूजिक शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।